अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। फूडी सिटी में आज एक बहुत ही मजेदार नई रेसिपी चिकन अफगानी पुलाव के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ और बहुत ही लाइट सा ये पुलाव होता है जो कि बहुत मजेदार होता है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं अफगानी पुलाव के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चिकन अफगानी पुलाव बनाने के लिए यहाँ हमारे पास चिकन है जो कि 750 ग्राम ये चिकन है। इसमें हम एक टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने तीन दरमियानी साइज की गाजर ली है जिसकी जुलियन में कटिंग कर ली है। इसके अलावा यहाँ हमारे पास ब्लैक ये रेसन है, काली किशमिश, जिसको मैंने साफ कर लिया है और इसके बाद इसको पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। ये तकरीबन एक कप भर के है। इसके अलावा इसमें हम यहाँ पे दो मीडियम साइज की प्याज लेंगे जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है। एक बड़े साइज का टमाटर है जिसको चॉप किया है। 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर हम दही का इस्तेमाल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के जीरा लिया है और जीरे के अलावा भी इसके अंदर सारा गर्म मसाला है जिसमें दालचीनी और 10 से 15 जो है वो काली मिर्च है। 1/2 टीस्पून इसमें जीरा है और 1 बड़ी इलायची है और इसके अंदर 4 से 5 जो है वो लौंग है। यहां देखिए मैं हम 1/2 कप ऑयल इसके अंदर में डाल दूंगी। ऑयल गरम हो चुका है, इस ऑयल में आप ये प्याज डाल देते हैं। प्याज को इसके अंदर ब्राउन नहीं करना, इसको हल्का सा बस सोते करेंगे। प्याज को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको ऑयल के अंदर जो है मैंने थोड़ा सा इसको भुना है। अब इसके अंदर हम ये जो गरम मसाला है वो डाल देंगे। गरम मसाले को इसके अंदर थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। इसके अंदर जो अब चिकन है अब ये सारा चिकन डाल दूंगी। साथ ही चूल्हे की जो फ्लेम है वो इसकी मैं अब कम कर दूंगी। चिकन को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसमें फ्राई करने के बाद जो लहसुन अदरक की पेस्ट है ये हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। साथ ही इसमें अब मैं टमाटर डाल दूंगी। टमाटर और लहसुन अदरक के साथ इसको 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 2-3 मिनट तक टमाटर के साथ पकाने के बाद इसमें ये दही डाल दूंगी। हम अब इसको मैं थोड़ी तेज आंच पे पकाऊंगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी इसमें खुश्क हो चुका है। अब इस चिकन के अंदर मैं 3 से 4 ग्लास पानी डाल दूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और इसकी यखनी भी अच्छे से तैयार हो जाए। जो नमक हमने निकाला था वो मैं इसमें ये नमक डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए मैं इसको अब कवर कर दूंगी। जब तक चिकन तैयार हो रहा है उस वक्त हम इसका जो गाजर को पहले इसको कैरेमल करना है, इसमें हम इसका कैरेमल तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून चीनी डालूंगी। 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ये चीनी डाली है। अब इसका ऐसा ऐसा इसका कैरेमल जो है वो तैयार करते हैं। कैरेमल बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो गया। अब इसका कलर जो है ये भी ब्राउन हो गया है। इसमें जो हमने गाजर काटी थी ये सारी गाजर डाल देंगे।
प्लेन इसकी बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे। अब इसको मैं बाहर निकालूंगी। चिकन का पानी बहुत अच्छी तरह से पक रहा है, तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसमें ये सारा चावल डाल देंगे। ये चावल तकरीबन आधा किलो है जिन्हें मैंने 20 मिनट से पानी में भिगोया हुआ था। चावल के साथ ही इसमें जो जीरा मैंने अलग से लिया था वो जीरा भी इसमें डाल देंगे। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। चावल का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, तकरीबन एक कनी पे ये चावल आ गए हैं। अब हमने जो गाजर कैरमलाइज की थी ये एक साइड पर डाल देंगे और इसमें थोड़े से ये बादाम एक साइड पर डाल देंगे। किशमिश जो है ये भी इसके एक तरफ रख देंगे। चावल को मैं हल्की आंच पर दम पे लगा दूंगी। चावल बहुत अच्छी तरह से दम पे आ चुके हैं, 10 मिनट में ये चावल दम पे आए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। चिकन अफवानी पुलाव बिल्कुल तैयार है, बहुत ही लजीज और बहुत ही मजेदार ये पुलाव तैयार होता है। अफवानी खानों में चूंकि स्पाइसेस जो है वो बिल्कुल नहीं होते, बहुत ही लाइट होते हैं, लेकिन ये अपने जायके में बहुत मुनफरिद होता है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।